एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरुवर ने मिशन शक्ति अभियान के तहत महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं के साथ कॉलेज के सभागार में बैठक की, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरुवर ने बताया कि शारदीय नवरात्रि के अवसर पर 14 अक्टूबर से मिशन शक्ति फेज 4 का शुभारंभ हो चुका है। उसी क्रम में लगातार पूरे जनपद में जनपद पुलिस द्वारा व अधिकारियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जाकर इन कार्यक्रमों को आयोजित किया जा रहा है। उसी क्रम में महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें कक्षा 11 व 12 की छात्राओं के साथ बातचीत की गई है। उनको मिशन शक्ति अभियान के बारे में बताया गया है और सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चल रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है कि कैसे महिलाओं को और सुरक्षित किया जा सकता है, जिसमें छात्राओं द्वारा भी सुझाव दिया गया। उनके सुझाव पर पुलिस कार्य करेगी। इस अवसर पर एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। दौरान लड़कियों बच्चियों के साथ में बहुत घटनाएं घटित हुई, जिसमें स्कूल करने की इस शादी नवरात्रि के अवसर में कभी मिशन शक्ति के इसलिए मैं आज आपके बीच में आई हूँ आपको बताने के लिए कि आपसे संबंधित कौन कौन से प्रावधान हैं, कौन से टोल फ्री नंबर्स हैं और क्या शासकीय व्यवस्थाएं हैं जिसके तहत आप जो है पुलिस सुरक्षा मांग सकती हैं या अगर किसी परेशानी में है तो ले सकती हैं। ठीक है, आपको सभी को आप सब लोगों ने हिस्ट्री तो पढ़ी होगी, पहले इस स्थिति में महिलाएं थी, फिर आजादी के बाद में बहुत परिवर्तन आया है, जैसे सती प्रथा था, सती प्रथा खत्म हुआ, फिर जैसे देश आजाद हुआ तो गवर्नमेंट ने महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए बहुत सारे कानून बनाए हुए। ठीक है, पहले इन्फेंटिसाइड था, बच्चियों का बच्चियां पैदा होती थी, मेडिकल इनका एडवांस नहीं था कि वो भ्रूण में लिंग का पता कर सके, जैसे बच्चा पैदा हुई थी तो राजस्थान साइड में उनको चारपाई के नीचे रख के मार दिया जाता है, इन्फेंटिसाइड, बहुत ही क्रूर था लड़कियों को। ठीक है, अगर महिला फीमेल बच्चा हुआ तो इसीलिए गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी पॉलिसी बनाई आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसमें जो है भ्रूण की पहचान, उसके जेंडर की पहचान करना, लिंग की पहचान करना ये इलीगल कर दिया गया और ऐसे जितने भी हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स थे, डॉक्टर्स थे जो इस कार्य में लिप्त थे, उनके जो सहायक थे उनके खिलाफ कार्रवाई जाएगी, उससे भी ये चीज बिल्कुल बंद हो गई है। अभी ऐसे लोगों ने कहा कि ये लड़की है तो अबॉर्ट कर देते थे, इसीलिए जो अबॉर्शन है उसको भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया गया है। अब ऐसा है सिर्फ मेडिकल ग्राउंड पे ही प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया सकता है। ठीक है, ये अबॉर्शन किया सकता है, ये नहीं कि आपकी मर्जी नहीं है, लड़की है तो आप अबॉर्ट कर दें। ठीक है, और मतलब कई मामलों में तो हाई कोर्ट की परमिशन चाहिए होती है अगर आप अबॉर्ट करना चाहते हैं। एक केस बीच में बहुत पहले आप लोगों से बहुत आप लोग उस टाइम पढ़ रहे थे, बहुत फेमस केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट तक उसने याचना की थी और उसको अलाउ नहीं किया गया था। पहले तो मैं शारदीय नवरात्रि की इस पवित्र त्यौहार पर सभी बालिकाओं को, कॉलेज के प्रबंधन को, प्रिंसिपल मैम और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। ये त्यौहार हम माँ दुर्गा की उपासना के मनाते हैं और जो नारी शक्ति है जिसको कि आदि नादि काल से हमारे धार्मिक ग्रंथों में आध्यात्म में सबसे ऊपर माना गया है, उसकी उपासना का ये त्योहार है। और मुझे आज यहाँ पर बहुत खुशी हो रही है कि इतनी भारी संख्या में दुर्गा रूपी नारी शक्ति मेरे सामने यहाँ पर बैठी है, मैं आप सभी को नमन करता हूँ। जैसा कि आप सभी को अवगत है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा के चलते मिशन शक्ति का एक अभियान जिसका कि फोर्थ फेज 2023 में 14 तारीख से 14 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। इस मिशन शक्ति
कि पहले तीन फेज विगत वर्षों में संपन्न हुए हैं, जिसमें तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो कि प्रदेश की माताएं, बहनें, बालिकाएं, उन सभी के लिए प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है और साथ ही साथ उनकी सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र में है, चाहे शहरी क्षेत्र में है, जहां पर भी है वहां पर उनकी सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए कैसे प्रयास किए जाएं, कैसे उनके साथ प्रशासन और पुलिस का समन्वय और अच्छा बनाया जाए। हमारी बालिकाएं, हमारी माताएं, बहनें चाहे स्कूल या कॉलेज पढ़ने जाती हैं, मार्केट में जाती हैं, धार्मिक स्थलों पर जाती हैं, या अपने जहां पर नौकरी करती हैं या व्यवसाय करती हैं वहां पर जाती हैं, तो ये सभी स्थान उनके लिए सुरक्षित हों, उसके लिए क्या प्रयास किए जाएं, यही मिशन शक्ति का मूल मंत्र है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरुवर ने कहा, देखिए जैसा कि आप अवगत हैं कि शारदीय नवरात्रि के इस अवसर पर 14 अक्टूबर से मिशन शक्ति फेज 4 का शुभारंभ पहले ही हो चुका है। उसके क्रम में लगातार पूरे जनपद में जनपदीय पुलिस द्वारा, सभी अधिकारियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जाकर ये कार्यक्रमों को आयोजित किया जा रहा है। आज उसी के क्रम में जनपद गोरखपुर के सिटी क्षेत्र के महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज में यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 11th और 12th की जो बालिकाएँ हैं उनके साथ एक इंटरेक्टिव सेशन रखा गया। मिशन शक्ति के तहत और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बालिकाओं के लिए और महिलाओं के लिए चलाई जा रही लाभकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा में किए गए कार्य और क्या क्या उसके लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं, कैसे महिलाओं को और सुरक्षित किया जा सकता है, सशक्त किया जा सकता है, इसके बारे में जानकारी दी गई। ये एक इंटरेक्टिव सेशन था जिसमें कि बालिकाओं द्वारा भी अपने काफ़ी सुझाव दिए गए। इसमें विशेष रूप से साइबर क्राइम या सोशल मीडिया के माध्यम से आने वाली कॉल्स या आने वाले ऐसे मैसेजेस के बारे में भी चर्चा हुई। उस संबंध में क्या कार्रवाइयाँ की जानी है और कैसे पुलिस से संपर्क करना है, ये सभी के बारे में बालिकाओं को अवगत कराया गया। मैं यहाँ के कॉलेज प्रशासन, प्रिंसिपल और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उनके द्वारा ये बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया। हमें पूर्ण आशा है कि आने वाले दिनों में मिशन शक्ति के ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं ये सकुशल संपन्न होंगे और इससे जो हमारी बालिकाएँ हैं, महिलाएँ हैं, वो सशक्त होंगी, सुरक्षित होंगी और एक सुरक्षित समाज की यहाँ पर संरचना होगी।